हेलो व्यूवर्स, आई वेलकम यू टू द एनलाइटेंड एकेडमी। मेरा नाम है धीरज और आज हम चर्चा करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे कि आरबीआई ने अपनी पूरी की पूरी से स्टेक जो नबार्ड बैंक और नेशनल हाउसिंग बैंक में थी, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेल आउट कर दी। क्या होंगे इसके इम्प्लीकेशंस या इसका प्रभाव इन दो बैंकों में क्या पड़ेगा और हम भारत देश पे क्या पड़ेगा, उनकी अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा, ये हम पूरा चर्चा करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, ये मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और जहाँ पे आप मुझसे किसी भी तरीके के डाउट, सवाल, सजेशंस पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की इन दो बैंकों में, या फिर आप कह लो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड में एंड नेशनल हाउसिंग बैंक NHB में, RBI की जितनी भी स्टेक थी उन्होंने पूरी की पूरी स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेच दी। अगर मैं आसान शब्दों में ये कहूँ तो रिज़र्व बैंक के पास इन दो बैंकों की जितनी भी शेयर होल्डिंग थी, RBI ने पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेल आउट कर दी। सर, इससे पहले RBI के पास 100% शेयर थे नेशनल हाउसिंग बैंक के और 72.5% शेयर थे नबार्ड के। ये दोनों के दोनों बैंकों की टोटल एंटायर सेल आउट कर दी है RBI ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और ये जो सेल आउट हुआ है वो नरसिम्हन कमेटी 2, आपको पता होगा नरसिम्हन कमेटी 2 बैंकिंग रिफॉर्म में वन ऑफ द बेस्ट कमेटी थी, जिनके आधार पे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए बैंकिंग सेक्टर में। तो उनका एक रिकमेंडेशन ये भी था कि नेशनल हाउसिंग बैंक, नबार्ड, ये सारी की जो भी RBI के पास शेयर होल्डिंग है उसको डाइवर्ट कर दिया जाए या उसको सेल आउट कर दिया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन ए फेज वाइज मैनर, जिससे ये दो बैंक एफिशिएंटली काम कर सके अपने अपने वेरियस फील्ड्स में। तो समझते हैं डिटेल में कि ये दो बैंक एक्चुअली है क्या। जैसा आप जानते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक का गठन हुआ था जुलाई 1988 में अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, एक कानून के रूप में 1980 कानून के अंतर्गत 1987 के अंतर्गत एक बैंक सेटअप की गई थी। और इस बैंक का प्राइमरली, जैसा इसका नाम से क्लियर है कि इस बैंक का प्राइमरली फंक्शन ये था कि हाउसिंग से रिलेटेड जितने भी क्रेडिट वर्थ होंगे या फाइनेंशियल चीज़ें होंगी उसको ये लुकआउट करते, और ये टॉप बॉडी थी हाउसिंग सेक्टर के लिए और इसकी ऑब्जेक्टिव। नाउ अब ये जो डाइवेस्टमेंट हुआ है, जिस डाइवेस्टमेंट मतलब जो ये शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र हो गई है, इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे और ये क्यों किया गया। जैसा आप जहाँ समझ रहे हैं कि इसकी सेल आउट करने से डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को ही फ़ायदा होगा, इसलिए नरसिम्हन कमेटी ने इस बात के लिए रिकमेंडेशन किया था। जैसा आप जानते हैं कि भारत सरकार बहुत सारे हाउसिंग स्कीम्स लेकर के आते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना एट्सेट्रा, जहाँ पे बहुत सारे मध्यम वर्गीय लोग, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को घरों के लिए होम लोन्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो जब होम लोन्स की बात आती है, गवर्नमेंट अनाउंस करते हैं कुछ स्कीम, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि गवर्नमेंट के अनाउंस करने से कुछ भी नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि जो लोग, जो बैंक, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसकी क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे जनता को, वो उन्हें इफ़ेक्टिवली मिलनी चाहिए और एक बहुत ही कम से कम दर पे मिलनी चाहिए या रेट पे, अफोर्डेबल क्रेडिट रेट पे मिलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि अगर गवर्नमेंट हाउसिंग से रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज़ बना रही है या एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज़ में किसी भी तरीके की पॉलिसी ले करके आ रही है जहाँ पे लोगों को कर्ज मिल पा रहा है एज ए हाउसिंग लोन और एज ए एग्रीकल्चरल लोन, तो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन इन्हें लोन देती है वो गवर्नमेंट के अगर हाथों में होगी पूरी की पूरी, तो ये काम बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। इस वजह से नरसिम्हन कमेटी ने ये रिपोर्ट में अपने बेसिकली रिकमेंडेशन किया था कि इन दो बैंकों का अगर ट्रांसफ़र या इन दोनों बैंकों का स्वामित्व अगर भारत सरकार को दे दिया जाए तो भारत सरकार अपनी पॉलिसी डेवलपमेंट में कुछ ज़्यादा ही फास्टली और काम कर पाएगी। तो ये था इसका बेसिकली पर्पस। नाउ आप जैसे समझ पा रहे हैं कि थर्ड पॉइंट है द रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सच एज इंडिया बुल्स, DHFL एट्सेट्रा। इससे ये भी होगा कि इस रेगुलेशन से कि बहुत सारे यहाँ पे, आपको पता है कि इंडिया में फाइनेंसिंग कंपनी है जो हाउस लोन प्रोवाइड करते हैं, लाइक इंडिया बुल्स, DHFL एट्सेट्रा। तो अगर हाउसिंग बैंक को भारत सरकार के अंदर ले आया जाएगा तो इन सभी कंपनियों को बहुत अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगे और एक बहुत ही टफ कंपटीशन होगा। सो नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं नबार्ड पे समझते हैं। नबार्ड का फुल फॉर्म आपको भी पता है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1982 में शिव रमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, और इसका गठन इसलिए हुआ था क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो बहुत ही एफिशिएंटली प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि जो जनरली जो बैंक्स होते हैं, जो मेन कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनका उस समय
इतना प्रेजेंस नहीं होता था रूरल एरियाज में, बहुत ही कम देखे जाते थे। तो उन एग्रीकल्चर से रिलेटेड के लिए एक पार्लियामेंट एक्ट के अंतर्गत नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज़ नबार्ड का गठन किया गया उन ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पे फार्मर्स को बहुत ही आसानी से लोन मिल सके, कर्ज मिल सके अपनी खेतीबाड़ी के लिए। लेकिन अब इसका जो पूरा 72.5% आरबीआई के हाथों में था, क्योंकि एक बैंक की तरह ये काम करती थी, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन अब इसका पूरा स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसका ट्रांसफ़र करने के मेन रीज़न बस ये थे कि अब ये जितने भी, आपको भी पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे कॉरपोरेटिव बैंक्स होते हैं जहाँ पे फसलों के लिए, बीमा के लिए लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और आपको ये भी पता है कि रीजनल रूरल बैंक्स भी इस्टेब्लिश किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, कि वो भी कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट काम कर सके। रीजनल रूरल बैंक जहाँ पे छोटे छोटे बैंक जो भी गाँव की समस्या है वहाँ पे इनको लुकआउट कर सके। लेकिन नबार्ड अगर आरबीआई के अंदर आती है और ये सारे बैंक्स पे अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार था, लाइक कॉरपोरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स पे, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था एक सिंक्रोनाइजेशन सेटअप करने में, एक तालमेल बिठाने में। तो इसके लिए सबसे बेटर होता कि नबार्ड को भी भारत सरकार के अंदर डाल दिया जाए, क्योंकि भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में उनके डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए डेवलपमेंट के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पॉलिसीज ले करके आते हैं। तो इससे ये होगा कि ये अब डिज़ाइन कर पाएंगे बहुत ही नए इफ़ेक्टिव डेवलपमेंट स्कीम इन साइंक विद, तालमेल बिठा करके गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ। अगर गवर्नमेंट किसी भी कृषि क्षेत्र में कोई भी पॉलिसी लेकर के आती है तो वहाँ पे नबार्ड उस पॉलिसी को ध्यान में रख करके अपनी नई स्कीम्स तैयार कर सकते हैं, जिससे भारत देश को और वहाँ के गाँव में लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये हमारे इस वीडियो का अंत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या, आपके क्या सुझाव हैं कि ये डाइवेस्टमेंट होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, और इससे क्या फ़ायदा होगा या नहीं होगा।